Hi guys, I'm Subrat. Right now you are watching NewLife Space. एक साइड क्विजिन पहले ही कंप्लीट हुआ है, उसी का वॉक थ्रू करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या उसमें हम लोग इंटीरियर किए हैं और क्या क्या प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फिर ये घर का मेन डोर है. आप मेन डोर में देख सकते हैं फुल ऑफ कार्विंग है. पूरा डोर डेकोर में बनाया हुआ है. घर में घुसते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये टोटल ऑफ इंडियन स्टाइल है, क्योंकि हर वॉल पे कलर है. तो कलर क्या होता है? कलर एक्चुअली हम लोग इंडिया में मोस्टली कलर यूज करते हैं. कोई भी कलर ले जाइए उसी को यूज करते हैं. तो आप देख सकते हैं हर वॉल में हमारा कलर है. आप घर में एंटर करते हुए ये लिविंग एरिया आपको मिलेगा. लेफ्ट साइड विंडो के नीचे हमारा सोफा आएगा. सोफा अभी आया नहीं क्लाइंट के घर से. तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं टीवी यूनिट में हमारा कुछ स्टोरेज दिया गया है. नीचे पूरा ड्रॉयर है और कुछ आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए सेल्फ है. टीवी अभी पूरा सेट नहीं है. टीवी का जो पैनलिंग है, पैनलिंग के पीछे पूरा वर्क वगैरह जाएगा, अभी गया नहीं. तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा स्टोरेज है. चार ड्रॉयर है. ड्रॉयर के अंदर आप कुछ भी सामान रख सकते हैं जो कि टीवी का रिलेटेड है, या कुछ भी सामान रख सकते हैं. घर में ज़्यादा मेंबर है नहीं, एक्चुअली तीन मेंबर है. क्लाइंट एक्चुअली उनका वाइफ और उनका एक छोटी सी बेटी है. तो उतनी तीन मेंबर का फैमिली है. तो छोटा सा टीवी यूनिट है. फ्रंट साइड में स्टोरेज दिया गया है और कुछ ओपन स्टोरेज है जिसमें हम लोग रख सकते हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह. और राइट हैंड साइड में ये टीकूड का प्लांक है, जो टीकूड प्योर टीकूड को हम लोग पॉलिश किए हैं. तो ऊपर एक लेंस है. लेंस के नीचे दो लाइट स्पॉटलाइट डिजाइन के लिए दिया गया है, जो कि लुक बहुत अच्छा दिखने में आ रहा है. ये कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिख के आ रहा है, लेकिन जो फाइनल एनवायरनमेंट वहाँ पर है, जो साइड में है, वो अलग ही है. फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं पूरा टेक्सचर है विथ ब्लू लाइट. यहाँ पे वार्म व्हाइट का सजेशन हम लोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ब्लू लाइट क्लाइंट को पसंद है. तो कलर ही पसंद है क्लाइंट को मोस्ट ऑफ द आइडिया में, तो इसलिए यहाँ पे ब्लू लाइट का प्रोविजन हम लोग करें हैं. और ये हमारा किचन एरिया, किचन विथ डाइनिंग एरिया. किचन डाइनिंग में भी हम लोग फॉल सीलिंग प्रोवाइड किए हैं. वही सेम यहाँ पे कलर है, लाइक पिंक कलर और डार्क स्काई ब्लू का कलर है. तो यहाँ पे वॉश बेसिन आप देख सकते हैं. वॉश बेसिन के नीचे कुछ स्टोरेज है और ऊपर एक प्यारा सा वॉश बेसिन है. और यहाँ पे किचन में हम लोग कुछ स्टोरेज दिए हैं ऊपर ओवरहेड में. ओवरहेड के साथ यहाँ पे ओपन सेल्फ है, छोटा सा एक ओपन सेल्फ है. और ओपन सेल्फ के साइड में ही हमारा वाटर प्यूरीफायर का बॉक्स है. वो बॉक्स के अंदर वाटर प्यूरीफायर जाएगा. अभी लगा ही नहीं तो, लेकिन ये उसके अंदर ही जाएगा ये. तो नीचे तीन ड्रॉयर है, कपर एंड ससर एंड थाली कटलरी. और ये बास्केट, तीन बास्केट है और सारे स्टोरेज है. साइड में एक गैस का भी स्टोरेज है. मास्टर बेडरूम में हमारा किया गया है, बेड किया गया है. और फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, फॉल सीलिंग भी सेम कलर टेक्सचर पैंट में है. और एक वॉल में पूरा आर्ट किया गया है. और ये वार्डरोब 6 फीट में बनाया गया है. और साइड में जो है हमारा कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह या बुक्स वगैरह रखने के लिए सेल्फ किया गया है. और ऊपर लॉफ्ट को हम लोग क्लोज कर दिए हैं. लॉफ्ट एंड टू एंड क्लोज है. लॉफ्ट के पीछे हमारा टॉयलेट है, जो कि टॉयलेट के ऊपर भी स्टोरेज है, जो कि लॉफ्ट के अंदर से ही घुसते हुए वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो साइड में आप देख सकते हैं एक यहाँ पे भी आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए या फिर बुक्स वगैरह रखने के लिए भी स्टोरेज है. तो ये फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, लॉफ्ट भी वार्म व्हाइट लाइट में है, लेकिन ये चेंज हो जाएगा ग्रीन में.
क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्लाइंट को बोल के चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेसिंग यूनिट, ये ड्रेसिंग यूनिट हमारा यूज होगा साइड टेबल एंड ड्रेसिंग यूनिट। ड्रेसिंग यूनिट के पीछे भी स्टोरेज है, तो नीचे भी स्टोरेज है, ड्रॉअर वगैरह है, सपोज आपको कुछ रखना है, चार्जर वगैरह वहाँ पे भी है। ये है किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में वार्डरोब है, वार्डरोब के साइड में सेम बुक रखने के लिए या फिर आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए कुछ स्टोरेज है, और ऊपर एंड टू एंड लॉक्ड है, लॉक को क्लोज किया गया है डोर्स में। और राइट हैंड साइड में हमारा स्टडी है, स्टडी के नीचे कुछ स्टोरेज दिया गया है और एक ड्रॉअर दिया गया है, और ऊपर आप देख सकते हो ओपन है, पूरा ओपन में बुक रख सकते हैं, और साइड में भी कुछ स्टोरेज, क्लोज स्टोरेज है, वहाँ पे भी आपको स्टोरेज यूज कर सकते हैं सामान। ये था एक 2BHK इंटीरियर का वॉक थ्रू। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कुछ भी ज़रूरत है इंडिया से, आप कहीं से भी हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले हो रहा होगा नंबर पर। थैंक यू सो मच।